आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता कमलनाथ के शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। कमलनाथ की ताजपोशी का भव्य समारोह भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ भेल के जम्बूरी मैदान पर मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिग्गज हस्तियों को आमंत्रण भेजा गया है। मध्य प्रदेश में 15 साल का वनवास काटने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ है। 15 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी मशक्कत के बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री पद की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दोनों शामिल थे। कमलनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोहर लगा करके मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया है। वहाँ देखा जाए तो दिल्ली में अभी विधायकों का हुजूम लगा हुआ है। जो ज्योतिरादित्य के समर्थक हैं वो अभी ज्योतिरादित्य को या मुख्यमंत्री पद के लिए मान रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि उनको मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे में तैयारियां चल रही हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ हम जम्बूरी मैदान में मौजूद हैं, जहाँ देखा जा रहा है डोम तैयार किया जा रहा है। कमलनाथ के पोस्टर्स लगे हुए हैं मुख्यमंत्री पद की। कल 17 तारीख को 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ UPA के गठबंधन में मौजूद रहेंगे। UPA के गठबंधन में BSP की सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव के सहित कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके आने की संभावना बताई जा रही है। और शपथ ग्रहण समारोह सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी अलर्ट पे रखी गई है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। ये कल 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है यहाँ पे। उसमें काफ़ी VIPs आने वाले हैं उनकी स्टेज पे बैठने के, और कुछ लोगों को सामने भी है और व्यवस्था की जा चुकी है। अलग अलग पासेस हमने दिए हैं। जो VIP वो गेट नंबर 1 से आएंगे, बाकी गेट नंबर 2 और 3 से बाकी VIP और लोग आएंगे। उनको सब बैठने की व्यवस्था की जा रही है। आने जाने की लोग व्यवस्था की गई है। पार्किंग व्यवस्था की जा चुकी है। बाकी जितने भी VIPs उनके लिए पारी एस्कॉर्टिंग वो भी व्यवस्था की जा चुकी है, और लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए भी हम पूरा पार्किंग प्लान भी आज न्यूज़पेपर में भी डाल दिए हैं और कल भी डाल देंगे। और मूवमेंट जो भी हो उसको भी सबको हम सूचित कर रहे हैं। कांग्रेस ने समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के CM चंद्राबाबू नायडू, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, कर्नाटक के CM कुमार स्वामी, DMK नेता स्टालिन को न्योता भेजा है। हालांकि कल सिर्फ कमलनाथ ही शपथ लेंगे, बाकी मंत्रियों को शपथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्बूरी मैदान में, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं कमलनाथ जी। 18वें मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। हमारे साथ अवनीश भार्गव जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कौन कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ में शामिल होने वाले। हयात लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आएंगे और उनके भी साथ साथ कुछ नेतागण मौजूद रहेंगे। आइए बात करते हैं अवनीश भार्गव जी से। जी बताएँ। देखिए, कल ऐतिहासिक क्षण होगा। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो आ रहे हैं यहाँ पे। 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस शासित राज्यों के वो आ रहे हैं। UPA के जो घटक दल हैं, अखिलेश यादव जी हों, शरद यादव जी हों, मायावती जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, जो सब लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, वो कांग्रेस के सीनियर नेता दिल्ली के जितने हैं वो सभी आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है कांग्रेस जनों के लिए, पूरे देश के लिए। जिस तरीके से इसका जनादेश मिला है, वो माननीय कमलनाथ जी कल 1:30 बजे यहाँ शपथ लेंगे। और जो कांग्रेस का वचन पत्र है उसमें जो वादे किए गए हैं, किसानों के कर्ज माफ़ी के हों, बेरोजगारी भत्ता को ले हों, कानून व्यवस्था को लेके हों, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, इन सब बातों को ध्यान में रख के कल जो महत्वपूर्ण वादे हैं उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा उसके बाद। तो अवनीश भार्गव जी का बोलना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ साथ जो UPA के घटक हैं जैसे मायावती और अखिलेश यादव भी यहां मौजूद रहेंगे कल शपथ ग्रहण समारोह में। बात करें तो कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, जो वचन पत्र में दिए थे, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ़ होगा, रोजगार मिलेगा, वो सब वादे पूर्ण करने की दिशा में कांग्रेसियों का बोलना है कि अग्रसर हो रहे हैं। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़ भोपाल। सत्ता में वापसी से कांग्रेस उत्साह में है, यही वजह है कि वह कमलनाथ के शपथ समारोह को यादगार बनाना चाहती है। इसके लिए सभी कांग्रेस विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को शपथ समारोह में आने के लिए न्योता दिया गया है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।